हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है ये जेरेनियम प्लांट पर है, ये डाइबैक हो जाते हैं तो कैसे हमें बचाने, पूरी कंप्लीट वीडियो है इसके ऊपर और लास्ट तक बने रहे। और ये देखिए ये जेरेनियम है, ये भी 12 महीने का प्लांट होता है। इसको चाहे आप बिल्कुल छायादार जगह में भी रख दो गर्मियों में तो ये फूल देता रहेगा। और ये मेरा ये पिंक कलर का ये जेरेनियम है, तो देखिए ये जेरेनियम का प्लांट है, ये बहुत ही अच्छा चल रहा था अभी एक सप्ताह पहले। और देखिए धीरे धीरे ये सूखता चला जा रहा है, ये भी डाईबैक हो जाता है। देखो ये काला हो गया और ये ऊपर से लेके नीचे तक ये काला होता ही चला जाता। और यहाँ एक बहुत बड़ी ब्रांच थी इसकी, ये मैंने देखो अभी निकाली तो ये काली पड़ गई है। अगर ये काली पड़ रही है तो इसका बचना फिर मुश्किल होता है। तो ये प्लांट धीरे धीरे फिर नीचे भी पूरे में ये काला काला फैलता चला जाता है और ये प्लांट पूरी तरह से फिर डाई हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो अभी इसमें एक ब्रांच तो मैंने इसकी यहाँ से ये निकाल ली, इसको मैं लगा दूँगी कटिंग इसकी। और एक इसके बिल्कुल नीचे से है, हो सकता है ये भी धीरे धीरे यहाँ तक इसके पहुँच जाए तो मैं इसको भी यहाँ से हटा दूँगी और इसको भी दूसरी जगह लगा दूँगी। तो ये इतनी गर्मी में चलाना बड़ा मुश्किल है, तो फिर भी मैं देखती हूँ चल जाएगा तो ठीक है, अगर चल जाएगा या ना चलेगा, नहीं भी चलेगा तो तब भी मैं आपको इसका अपडेट जरूर दिखाऊंगी आपको। अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार हैं या सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं इसको पूरा ही निकाल दूँगी और इसकी कटिंग लगा दूँगी, जो इसमें ये हरी हरी ब्रांचेज हैं ये वाली, ये देखो ये तो ऐसे ही निकल गया। तो ये पूरा का पूरा ही प्लांट ये डाईबैक हो गया और इसमें बस दो ही वंश बची थी, सूखने से धीरे धीरे ये भी डाईबैक हो जाती तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता, मतलब ये भी सूखते ही चले जाते, काला पड़ता चला जाता। तो ये देखो ये काला पड़ा है, लेकिन मैं यहाँ से इसकी ये काला काला पोर्शन इतना यहाँ तक पूरा निकाल दूँगी और ये इतना फिर ये पत्तियाँ निकाल के और इसको लगा दूँगी। अच्छा, जो मैंने इसकी कटिंग ली थी तो मैं इसमें लगाने वाली हूँ, ये मेरे पास कोकोपीट है तो मैं इसमें थोड़ा सा इसमें जगह बना दूँगी इसकी और इनको तीनों को लगा दूँगी। तो ये आपके पास अगर गार्डन सोयल है उसमें भी लगा सकते हैं, कोकोपीट है उसमें भी लगा सकते हैं। कोकोपीट में क्या होता है, गर्मी में नमी बनी रहती है तो इसके लिए सही होता है, जल्दी ये चल जाते हैं, अच्छे से चल जाते हैं। और मिट्टी में भी लगा सकते हो गार्डन सोयल में, और रेत में भी लगा सकते हो, जो हमारा ये मकान के बनाने के काम आता है उसमें लगा सकते हो। तो मैंने इसमें कटिंग में ये लगा लिया है एलोवेरा, तो एलोवेरा से क्या होता है, या तो हल्दी हो तो वो भी लगा लो, तो इससे क्या होता है फंगस नहीं लगती हमारी कटिंग पे और ये आराम से चल जाती है। तो इसलिए मैं ये एलोवेरा ही ज़्यादा यूज करती हूँ इसमें कटिंग में लगाने में। तो मैं अब इनको तीनों कटिंग को लगा दूँगी थोड़ा सा इस तरह से चारों तरफ से, इसके ऐसी उंगली से इसको प्रेस कर दीजिए हल्का सा, और इसको बिल्कुल छायादार जगह में रख दीजिए और धूप में बिल्कुल नहीं रखना। और जब इसका पानी इसमें ये सूख जाए नमी इसकी, तो इसको थोड़ी नमी बना के रखनी है इसमें, तो ये आराम से चल जाएगा। ये देखो मेरा पहले भी डाईबैक हो चुका है एक प्लांट, तो मैंने उसकी भी कटिंग जो है एक सप्ताह पहले ये सेव कर ली, तो ये देखो अच्छे से सर्वाइव होगी इसमें, तो ये भी सही है। तो कटिंग हम इस तरह बचा सकते हैं अपने प्लांट की। और ये मेरा जो जेरेनियम का प्लांट था तो ये डाईबैक कैसे हुआ, क्योंकि ये बारिश हमारे यहाँ बार बार पड़ रही थी उसी वजह से ये इसमें ज़्यादा नमी बनी रही, तो उस वजह से और मैं भी पानी डालती रही तो इस वजह से ये डाईबैक हो गया। और ये मेरा बाहर रखा था, और बाकी देखो ये मेरे सारे अंदर रखे हुए हैं, तो इनकी लीव्स तो पीली हो रही है बट ये पुरानी वाली है, ये निकल जाएंगी और सब दोबारा से ऐसी हरी हरी आ जाती है। तो ये कितने सारे हैं मेरे पास, एक ये है इसकी भी लीव्स पुरानी वाली निकल गई हैं, तो ये नई आ गई हैं, ये देखिए ये बेल वाला है, और एक मेरे पास ये है, और सारे अलग अलग कलर हैं। अभी भी फूल आ रहे हैं, बस अब ये फूल तो नहीं आएंगे इन पर क्योंकि इनका सीज़न चला गया लगभग, तो लेकिन अभी भी बीच बीच में आ जाते हैं। ये देखो इस पर भी बने हुए थे, तो ये सारे मेरी सीढ़ियों में रखे हैं बिल्कुल छायादार जगह में, तो इसलिए ये चल रहे हैं। और जेरेनियम के यही टिप्स हैं, इसको बिल्कुल छायादार जगह में रखें जहाँ आपके पास छनती हुई धूप रहे मगर बिल्कुल छाया हो और ब्राइट लाइट हो और छायादार जगह, और इसमें पानी तभी देना जब इसकी नमी सूखे, तो इसमें पानी देना, अगर नमी बस अगर है तो उसमें पानी नहीं देना, बस इसमें नमी चाहिए
और कुछ नहीं, अगर इसमें ज़्यादा पानी लगा हुआ है पानी से भी सूख जाता है, तो इसको बस छायादार जगह में रखना और पानी तभी देना जब इसको ज़रूरत हो, तो ये हमारे प्लांट बचे रहेंगे। और हाँ, मैं कटिंग पे जो जोर देती हूँ, आपको बार बार कहती हूँ, जो भी मैं प्लांट लगाती हूँ तो कटिंग उनकी ज़रूर लगाती हूँ, तो ऐसे ही जेरेनियम की भी मैं कटिंग पहले से ही लगा के रखती हूँ ताकि हमारे प्लांट आगे के लिए बचे रहे, क्योंकि पता नहीं रहता कभी पानी भी ज़्यादा लग जाता है, कभी धूप में भी सूख जाता है, तो इस वजह से अगर हम कटिंग इनकी पहले ही लगा लेते हैं तो हमारे प्लांट सेव रहते हैं। और हम इनको थोड़ा बहुत, थोड़ा सा एक मुट्ठी इसको कोई कंपोस्ट दे सकते हैं, ऑर्गेनिक जैसे वर्नी कंपोस्ट या काऊ डंग, इनमें से कोई भी दे सकते हैं, तो ये हमारे प्लांट चलते रहेंगे। और ये देखिए मेरी तो ये कटिंग सेव हो गई, मैंने अपने प्लांट को तो नहीं बचा सकी मैं अपने प्लांट को, लेकिन मैंने ये कटिंग बचा के मैंने अपने प्लांट को सेव कर लिया, और ये ज़रूर चल जाएगी, मुझे विश्वास है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।